हेलो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज़ एक्सपेरिमेंट बेस्ड और इसमें सबसे अच्छी बात है कि सारी चीज़ें कवर हो रही है वैसे तो हम इसका आंसर आपको फटाफट बता सकते हैं बट स्टिल हम चाहते हैं कि थोड़ा आपको डिटेल टाइट्रेशन का आइडिया हो अगर आपने स्कूल में टाइट्रेशन नहीं किया है तो आपको इंस्ट्रूमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है जैसे फ़टाफट हम आपके लिए ऑप्शनस रीड कर देते हैं वो बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस एन एच सोल्यूशन इज मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाई टाइट मतलब हमें एक्वस एन एच का स्ट्रेंथ पता लगाना है एंड हमने हाईलाइट किया है मोस्ट एक्यूरेटली बिकॉज वो एक्यूरेट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा मोस्ट एक्यूरेट मतलब ज़्यादा एरर बहुत ज़्यादा एरर नहीं आना चाहिए अब आप ऑप्शन देखिए वी हैव ऑप्शन पहला है कि एक्वस एन ओ एच को पिपेड मिले ऑक्जैलिक एसिड को ब्यूरेड मिले दूसरा ऑप्शन है एक्वज एनुएच को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मिले कॉन्केस्टोसफोर को कॉनिकल फ्लास्क मिले तीसरा ऑप्शन है एक्वज एनुएच को हम ब्यूरेट में लें और कॉन्केस्टोसफोर को कॉनिकल फ्लास्क में चौथा ऑप्शन है एक्वज एन्युएच को ब्यूरेट में और ऑक्जेलिक एसिड को कॉनिकल फ्लास्क देखिए ये वो सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट के नाम यूज़ कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कि ये हैं क्या सी ये जो आपको आप यहाँ पर दिख रहा है हमें ब्लू कलर में तो जो ये ब्लू कलर का स्टैंड पे लगा हुआ है जैसे हम हाईलाइट कर रहे हैं येलो कलर से इट इज़ अवर ब्यूरेट ये क्या है हमारा ब्यूरेट है नाउ इसके बाद ये जो नीचे फ्लास्क है दैट इज़ अवर मेजरिंग फ्लास्क क्योंकि ये कॉनिकल शेप में होता है इसलिए यहाँ पे ये उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहा है कॉनिकल फ्लास्क तो मेजरिंग फ्लास्क या कॉनिकल फ्लास्क इज़ सेम थिंग नाउ नेक्स्ट इज बि पिपेट पेपेट क्या होता है हमारा पिपेट होता है कि अगर हमें कुछ किसी वैसल में से सपोज हमें कुछ अमाउंट निकालना है एसिड का या बेस का ये तो डिपेंड कर रहे हैं कि हमें फ़्लास्क में क्या चाहिए तो अगर कोई अमाउंट हमें किसी बीकर से निकालना है देन वी यूज़ तो हम क्या करते हैं देन वी यूज़ पेपर्ड उससे वो अमाउंट निकाल लेते हैं और उसे फ्लास्क में डालते हैं अब आपको ये अरेंजमेंट देख के इतना तो क्लियर हो गया है कि जब भी एक्सपेरिमेंट होगा एक चीज़ ब्योरेड में होगी जैसे हमने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है और एक चीज़ हमारी कॉनिकल फ्लास्क में होगी मतलब कॉनिकल फ्लास्क और ब्यूरेट ये दो ऑप्शन हमारे होने चाहिए अगर इन दोनों ऑप्शन को ही देखें तो हमारे पास ए बी सी डी में से सी और डी ऑप्शन समझ आ जाता है बाय एलिमिनेशन मेथड के आंसर सी होगा या डी होगा क्योंकि या तो ब्यूरेट होना चाहिए कॉर्निकल फ्लास्क नाउ अब वो क्वेश्चन में उसके बाद ये दो ऑप्शन देखें आपको क्या चीज़ समझाना चाह रहा है वो फिर हम वो ये जानना चाह रहे हैं क्या हमें पता है कि कौन सा आप ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन देता है अगर कोई चीज़ कलर से चेंज हो कलरलेस में वो बेस्ट वे है या कलरलेस टू अगर कलरलेस से कलर्ड में जाए तो वो बेस्ट वे है या रिवर्स अगर कोई चीज़ कलरलेस से कलर्ड में आए तो वो बेस्ट वे है तो ये याद रखिए कलरलेस टू कलर्ड इज़ बेस्ट बिकॉज़ इससे एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों आता है हमारा क्यों क्योंकि कलरलेस में कोई कलर नहीं है और हल्का सा भी कोई कलर आएगा दिखेगा तो आप एक्यूरेट वॉल्यूम मेज़र कर पाएंगे तो, बट अगर कलर्ड से कलरलेस जाना होगा तो वो पहले डार्क से लाइट होगा वहाँ पे कैलकुलेशन इजी नहीं होगी तो पहला पॉइंट याद रखिए ऑलवेज बेस्ट मेथड ऑफ़ मोस्ट एक्यूरेट टाइट्रेशन इज़ टू चूज़ अ इंडिकेटर जो कलरलेस से मतलब वो तरीका चूज करना है जो कलरलेस से कलर्ड हो ना अब इंडिकेटर का चॉइस है वी हैव टू चॉइज पहला चॉइस है मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज अगेन इसी वजह से हम मिथाइल ऑरेंज का चॉइस नहीं लेते हैं क्यों क्योंकि जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर या तो येलो होगा या उसका कलर क्या होगा रेड होगा तो येलो होता है उसका एसिडिक मीडियम में और रेड होता है बेसिक मीडियम में अब रेड से येलो येलो से रेड ये थोड़ा एग्जैक्ट टाइट्रेशन नहीं देगा एग्जैक्ट मोस्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं देगा आंसर इससे भी आएगा बट मोस्ट एक्यूरेट नहीं आएगा थर्ड थर्ड इज़ वी हैव फिनोफ्थलिन थर्ड हमारे पास क्या है फिनोफ्थलिन है नाउ फिनोफ्थलिन का अब आपको याद होना चाहिए कि फिनॉफ्थलिन कलरलेस होता है किस में इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड इट इज़ पिंक इन बेसिक मीडियम और ये पिंक होता है किसमें बेसिक मीडियम तो ये हम एक बार आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं फिन इज कलरलेस इन एसिडिक एंड पिंक इन बेसिक मीडियम मीन्स हम आपको अब ये समझा पा रहे हैं कि जो सॉरी ये थोड़ा सा ये एक एरर हो गया ये येल्लो कलर होता है बेसिक में और रेड कलर होता है एसिडिक में ये करेक्ट कर लेना येल्लो इन बेसिक और रेड इन एसिडिक जो मिथाइल ऑरेंज है वो रेड कलर किस में होगा एसिडिक होगा तो अब हम आपको ये समझा पा रहे हैं कि कलरलेस से कलर में जाना है तो मतलब कलरलेस होगा पहले तो कलरलेस कब होगा फिनॉफ्थलीन जब फ्लास्क जो होगा वो क्या होगा हमारा फ्लास्क एसिडिक अब फ्लास्क एसिडिक कब होगा जब उसमें दो एसिड प्रेजेंट होंगे अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं कॉन्ग एच टू एस ओ फोर और ऑक्जेलिक एसिड अब कॉन्क एच टू एसो फोर और ऑक्जेलिक एसिड में अगर हम देखें तो कॉन्ग एच टू एस ओ फोर क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और ऑक्जेलिक एसिड क्या है वीक एसिड अब इसमें ये याद रखिए वीक एसिड अगर हम लेते हैं लाइक एच टू सी टू ओ फोर तो वीक एसिड में अगर हम डाइल्यूशन करते हैं या इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट मैथड है टाइट्रेशन का वीक एसिड लेना क्योंकि आप आयनिक में कर चुके हैं या फिर आप खुद एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू फार्मूला लगा के हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू फार्मूला यूज़ करके सल्फ्यूरिक एसिड में एक ड्रॉप का चेंज करके आप कंसनट्रेशन चेंज निकालना बहुत ज़्यादा चेंज आ जा जाते तो इसलिए एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमारे लिए बेस्ट है कि हम किसको चूज़ करें वीक एसिड को अब ये समझ आया देखो रिवर्स भी हो सकता था वीक एसिड को मैं ब्यूरेट में रख सकता था लेकिन वीक एसिड को अगर ब्यूरेट में मैं रखता तो कलर जाता तब नीचे बेसे में फ़्लास्क कॉर्निकल फ्लास्क में मुझे बेस रखना पड़ता कॉनिकल फ़्लास्क में अगर मैं बेस रखता तो कलर रहता फिनाफ्तलिन का पिंक तो बट मैं चाहता हूँ कि वो कलरलेस से पिंक आए तो कलरलेस होने की वजह से ऑक्जेलिक एसिड हमने रखा क्वारिकल फ्लास्क में और जो बेस है वो हमने किस में रखा ब्यूरेट में बेस कौन है यहाँ पे एनएच सो अवर आंसर इज डी हमारा आंसर यहाँ पे क्या है डी है कि एक्वस एन्यूएच ब्यूरेट में है और ऑक्जेलिक एसिड क्वारिकल फ्लास्क में है यहाँ पे अब मैंने डिटेल डिस्कशन इसलिए भी किया है बिकॉज एक बार मेंस में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर बेसिक में क्या है और एसिडिक में क्या है या फिनाफ्थलिन का कलर एसिडिक में क्या है बेसिक में क्या है दैट्स वाई वी डिस्कस्ड इट आई होप ये क्वेश्चन दिट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन इससे कंसेप्ट हमें सीखने की ज़रूरत है और ये हमें पूरा टाइट्रेशन क्लियर करता है इससे कनेक्टेड और भी क्वेश्चन आएगा सब आप ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप इसे ढंग से समझ गए तो थैंक यू